हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सारिकास कुकिंग डायरी। दोस्तों, आज हम स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक बनाएंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो के नीचे दिए लाइक के बटन को जरूर प्रेस करें, और साथ ही अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए बनाते हैं स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक। स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक के लिए यहाँ पर मैंने 12 स्ट्रॉबेरीज लिए हैं। स्ट्रॉबेरी को मैंने पहले से धो लिया है, तो अब इसे हम कट करके इस जार में डालते जाएंगे। मुझे स्मॉल साइज की स्ट्रॉबेरीज मिली है, आप कोई भी साइज की स्ट्रॉबेरीज ले सकते हैं, पर स्ट्रॉबेरीज का पका हुआ होना जरूरी है। सारी स्ट्रॉबेरीज को कट करके जार में ले लिया है, तो अब हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स डाल लेते हैं। तो सबसे पहले डालेंगे 1 चम्मच शक्कर। वैसे स्ट्रॉबेरीज ज़्यादा मीठी नहीं होती, इसलिए शक्कर की मात्रा को आप स्वाद के अनुसार बढ़ा भी सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने वेनिला आइसक्रीम का बड़ा कप लिया है, तो उसमें से सिर्फ 1 चम्मच आइसक्रीम को रहने देना है, और बाकी की सारी आइसक्रीम को हम इस जार में डाल लेते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे गर्म करके फ्रिज में ठंडा किया हुआ दूध। फिलहाल हम सिर्फ 1/2 कप दूध डालेंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स ले लिए हैं, तो जार को ढक्कन लगाकर स्ट्रॉबेरीज को चर्न कर लेते हैं। पहले थोड़ा दूध डालकर चर्न करने से स्ट्रॉबेरी की प्यूरी बनने में आसानी होती है। स्ट्रॉबेरी को हमने एक बार घुमाकर पीस लिया है। ये देखिए स्ट्रॉबेरी की कितनी गाढ़ी प्यूरी बनी है। अब मिल्कशेक को पतला करने के लिए इसमें हम और 1 कप ठंडा दूध डालेंगे, और जार को ढक्कन लगाकर फिर से मिक्सी पर चर्न करेंगे। हमने स्ट्रॉबेरी की प्यूरी बना ली थी, इसलिए अब हमें मिल्कशेक को ज़्यादा चर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस थोड़ा सा घुमाएंगे और हमारा झाग वाला टेस्टी मिल्कशेक रेडी हो जाएगा। बस अब जार को निकाल लेते हैं और ढक्कन खोलकर देख लेते हैं। तो अब हम मिल्कशेक को सर्व कर लेते हैं, तो उसके लिए हम एक ग्लास ले लेते हैं और इस रेडी मिल्कशेक को हम ग्लास में डाल लेते हैं। अब हमारे इस टेस्टी मिल्कशेक के टेस्ट और लुक को और बढ़ाने के लिए इसके ऊपर हमने जो आइसक्रीम बचा कर रखी हुई थी उसे डाल लेते हैं। और फिर इस आइसक्रीम के ऊपर मैंने एक स्ट्रॉबेरी को छोटे टुकड़ों में कट करके रखा था, उसे रख लेंगे। और आखिर में एक स्ट्रॉ साइड से रखेंगे। लीजिए, रेडी हो गया हमारा यम्मी स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक। तो दोस्तों, आप भी स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक जरूर ट्राई करें, और आपको ये मिल्कशेक कैसा लगा वो मुझे वीडियो के नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड गुड डे।